एक और सवाल किया जाए, देखते हो। क्वेश्चन ये है बेटा, ये एक रॉड है ना, रॉड पे हमारा एक स्लीव लगाया, स्लीव स्लीव समझते हो ना, जैसे शर्ट का एक क्या कहते हो, स्लीव कहते हो ना, स्लीव है ना, स्लीव बेटा, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, वैसे रॉड हमारा ये बेटा, जैसे ये स्लीव जो हुआ बेटा, देखो ये स्लाइड कर सकता है ना इसके ऊपर, तो जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है बेटा उसी को बोलेंगे हम लोग स्लीव। ठीक है बच्चा, तो कहो कि एक रॉड है और एक स्लीव है ना बेटा, यूं कहो एक रॉड है ना बेटा ऐसे, और ये हो गया बेटा स्लीव। ठीक, यहां से डिस्टेंस हमारा ये एल बेटा है ना, और इस वाले पॉइंट के अबाउट रॉड ऐसे घूमना शुरू किया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो स्लीव भी ऐसे घूमेगा ना बेटा, बोल, स्लीव ऐसे घूमेगा ना। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा, द रॉड, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बिटवीन रॉड एंड स्लीव इज म्यू। ठीक है बेटा, रॉड और स्लीव के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा ये हमारा म्यू है। ठीक है, और कहता है फर्स्ट पार्ट, कहता है फाइंड मैक्सिमम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड विथ विच द रॉड कैन स्लाइड, रॉड कैन रोटेट है ना बेटा, रॉड कैन रोटेट विदाउट स्लाइडिंग, समझे बेटा, बिना स्लाइड किए हुए, बिना स्लाइड किए हुए है ना बेटा, मैक्सिमम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड कितना हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा कि इफ द रॉड, इफ द रॉड स्टार्ट रोटेटिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा है ना बेटा, रॉड जो है बेटा कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा से घूमना शुरू किया, तो सवाल कहता है फाइंड फाइंड द एंगुलर स्पीड, फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच स्लीव विल स्लिप, समझा बेटा, कितने एंगुलर स्पीड पे स्लीव फिसल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो ट्राई करो। सूरज, यस सर, क्या दिक्कत बेटा, हेलो बोलो बोलो, सर कौन सा कोई चैप्टर दिक्कत चल रहा है है? बता सकते, क्योंकि हम सब जे एच बैच से जे ए में आए हैं, तो सर ने बोला है कि सर से पूछ लीजिएगा किस बस से आए हो जे ए एच से। बेटा, ये वह है अभी हम लोग का चल रहा है, अभी सर्कुलर मोशन चल रहा है। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा, स्लीव का मतलब बेटा, स्लीव का मतलब एक रॉड, ये हो गया बेटा स्लीव, मतलब ऐसा एक रिंग टाइप का बॉडी, रिंग के आकार का बॉडी जो इसके ऊपर फिसल सकता हो उसे बोलेंगे स्लीव। एल जो है बेटा सेंटर से यहां तक की दूरी है, एल जो है ना बेटा सेंटर से स्लीव की दूरी है। ठीक है बच्चा, हाँ जल्दी करेंगे डिस्कस, आज डिस्कस ज्यादा करेंगे, आज हम लोग 7:15 से स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन, 7:15 से। शिवम,
सर मेरे को गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे कोई बॉडी अगर सीधी मूव कर रही होगी तब भी उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा सर. कार सर, कार को सीधी मूव कर रही होगी तब भी उसमें स्टैटिक लगेगा. जब कार चल रही है ना बेटा. यस सर. और तुम अचानक बहुत जोर से ब्रेक लगा दो. जी सर. ठीक है, अचानक बहुत जोर से ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी के जो व्हील होगा फिसलते हुए आगे जाएगा ना गाड़ी. यस सर. जिसको बोलते हुए स्किडिंग. यस सर. है ना, उस केस का फ्रिक्शन होता है काइनेटिक. ठीक है, बाकी सारे कंडीशन में फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक ही होता है कार पे. सर मैंने सर इसलिए एक चीज सोची सर, जैसे अपन कोई अगर बस है सर. हाँ. पहले जब अपन उसको धक्का देते हैं सर, मानिए हाँ. हर इंसान 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं सर, पहले नहीं चलते सर. तीन लोग अगर धक्का मारते हैं चल जाती है, फिर सर एक हट जाता है तब भी वो मूव करती रहती है अगर दो भी मारे हैं तो. हाँ. तो सर ये क्या हुआ सर? ये हुआ बेटा कि जब बस स्टार्ट हुई ना बेटा. यस सर. जिस समय बस स्टार्ट हुई है ना, स्टार्ट yes, होने का मतलब क्या, पहले जीरो थी वेलोसिटी. यस सर. पहले जीरो थी वेलोसिटी बेटा, अब जीरो से yes, करनी है 1 मीटर पर सेकेंड. यस सर. तो जीरो से बेटा 1 मीटर पर सेकेंड करनी है ना, इसका मतलब फोर्स को एक्सीलरेशन देना है बेटा. यस सर. लेकिन सोचो अगर 1 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट चलता रहे तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा ना. जी सर. तो दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? है ना सर. बिल्कुल अंतर है ना बेटा. देखो बेटा तुम्हारी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैं मैक्सिमम कोशिश किया कि तुम समझ जाओ. लेकिन बेटा अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, रोलिंग के बारे में जब पढ़ोगे डिटेल में ना रोटेशनल चैप्टर में, इन बातों में खुद समझ जाओगे कि व्हील जब रेस्ट में होगा तो टायर थोड़ा दबा होता है तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होता है ना. जी सर. थैंक यू सर. ओके बच्चा. यस गलोत सही है बेटा, फर्स्ट का आंसर. फर्स्ट का आंसर सही है तेरा. सेकंड पार्ट कर. नहीं कुशल तेरा गलत है बच्चा, राज आयन भी गलत है. अनुराग. हेलो सर. हाँ बेटा कैसे हो? यस सर. आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया बेटा. कुछ डाउट्स वगैरह पूछो, बोलो क्या पूछना है. सर बोले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है? शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये होता है बेटा कि एक चैप्टर जब खत्म हो जाएगा है ना, तो क्या करोगे उस चैप्टर सर को शुरू से पढ़ोगे तुम. ठीक है, और उसमें ऐसी ऐसी चीज ढूंढोगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो तुम भूल जाते हो. हाँ. बस उसी बातों को नोट करना है, बाकी को नोट नहीं करना. मतलब अगर मान लो ये 40 पन्ने का अगर कोई चैप्टर होगा ना तो शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए. हाँ. उसका एक से दो पेज का बस. ठीक है. ओके सर. ओके बच्चा बेटा. चलिए सवाल को किया जाए बेटा, देख दो सोल्यूशन किया जाए इसको. देखना बेटा ये स्लीप जो है बेटा ये ऐसे प्लेन में जा रहा होगा है ना. स्लीप जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, ऐसे घूम रहा है. स्लीप जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है बेटा. अब देखो यहाँ जो हमारा स्लीप बेटा है ना, इस स्लीप पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? तो कहोगे इस स्लीप पे ऐसे लग रहा है बेटा नॉर्मल, बोलो ऐसे लग रहा है नॉर्मल, और ऐसे लग रहा है बेटा mg, बोलो यू लग रहा है ना. ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है बेटा, अगर इसका ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो फिर इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा है ना बेटा. अब महसूस करो ये जो एक्सीलरेशन है बेटा रॉड के सरफेस के पैरेलल है ना. अब खुद बताओ रॉड के सरफेस के पैरेलल कौन सा हो सकता है बेटा फोर्स? ऐसा कौन सा फोर्स है जो सरफेस के पैरेलल होता है बेटा? फ्रिक्शन ना. इसका मतलब बेटा इस एक्सीलरेशन के लिए ये फ्रिक्शन जिम्मेदार है बेटा. बोलो इस एक्सीलरेशन के लिए ये फ्रिक्शन जिम्मेदार है बेटा ना. तो क्या कर देंगे हम लोग? हम तो कहेंगे n बराबर mg और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना बच्चा.
और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अब देखो सवाल में निकालना क्या है, सवाल में निकालना है मैक्सिमम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओमेगा निकालना है बच्चा ना। अगर तुम्हें ओमेगा निकालना है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का तुम फार्मूला पुट करो ओमेगा स्क्वायर आर, तो क्या होगा बेटा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर रेडियस। आर कितना हो गया, जो दूरी है बेटा वही ना आर होगा, बोलो है ना। क्या होगा ये, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन बराबर एम जी हो गया बेटा, एन बराबर एम जी हो गया है ना। तो देख बेटा हमारा एम कट गया तो क्या आया, ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू जी बाई एल, है ना बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, म्यू जी बाई एल, समझ गया बच्चा। ठीक है अब आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट में, सीखना अच्छे से। सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, सुनना बेटा ध्यान से। देख बेटा ये फोर्स वर्टिकल है ना, और ये नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में है बच्चा, ये नॉर्मल हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब सोचो इसी डायग्राम को अगर तुम ऊपर से देखोगे, अगर तुम इसी डायग्राम को ऊपर से देखोगे बेटा है ना, तो ये सर्किल कैसा दिखेगा, देखो बच्चा ये सर्किल तुमको ऐसा दिखेगा ना बेटा, बोल ये सर्किल तुमको ऐसा दिखेगा बेटा, बोलो है कि नहीं। ठीक है अब तुम कहोगे बेटा ये हमारा रॉड और ये हमारा बेटा स्लीव, बोलो ये हमारा स्लीव, ठीक है ना, बात समझे ना बेटा। ये सर्किल जो हमारा है वो ऐसे दिखेगा है ना। सेकेंड पार्ट में कहा था बेटा कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, इसमें क्या है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। तो बताओ इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं, बताओ यस नो में, कमेंट में वेट कर रहा हूं तुम्हारा। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है, दो चार बच्चों का नो आ रहा है, बाकी सबका यस आ रहा है, वेरी गुड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू बेटा आर अल्फा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे अभी हम लोग बोलेंगे बेटा कि इस बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ऐसे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू एल अल्फा, है ना बेटा। और बोलोगे कुछ देर बाद अगर इसमें एंगुलर वेलोसिटी आ गई, अगर इसमें बेटा कुछ टेंजेंशियल में एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, है ना बेटा। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो फिर इस पे ऐसे होना चाहिए बेटा, बोलो ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, है ना बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, है ना। अब मुझे कोई बताओ ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, है ना, ये एक्सेलरेशन इस रॉड से कितने एंगल पे है, बोलो बच्चा रॉड के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कितना एंगल बन रहा है, बोलो बोलो, 90 लग रहा है बेटा, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, रॉड से एंगल बन रहा है बेटा 90। ठीक है अब सोचना कि इसके ऊपर फोर्स क्या क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा नॉर्मल, फोर्स लगेगा एमजी, फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, है ना बेटा। ठीक है तो फ्रिक्शन कैसा होता है, सरफेस के पैरेलल, है ना बच्चा। तो फ्रिक्शन हमारा कैसा है बेटा, पैरेलल टू रॉड, बोलो बेटा फ्रिक्शन हमारे रॉड के पैरेलल। तो बताओ बेटा इसके लिए क्या ये जिम्मेदार हो सकता है, बोल तो बच्चा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, तो ये बेकार हो गया, है ना बेटा। और ये सर्किल कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ये सर्किल है बेटा हॉरिजॉन्टल, है ना। और एमजी कैसे होता है, वर्टिकल, सर्किल है बेटा हॉरिजॉन्टल और एमजी है वर्टिकल, तो एमजी भी कोई काम नहीं आएगा, एमजी भी हमारा कोई काम नहीं आएगा, बोल बच्चा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ने बचा फोर्स, और तो कोई बचा नहीं बेटा, बोलो। इसका मतलब यही नॉर्मल फोर्स जो है बेटा इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी जिम्मेदार है ना, बात समझे बेटा। देखना तो ये रॉड है बेटा, ये एक रॉड है ना। तो बोलना बेटा अभी हमारा ये नॉर्मल से रॉड से ये कितना एंगल है, रॉड से ये कितना एंगल है, 90 डिग्री,
रॉड से ये कितना एंगल है, ये भी 90। रॉड से ये कितना एंगल है, 90 ना बेटा, बोलो, है ना। ये रॉड से सारा एंगल 90 है ना बेटा, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, रॉड से परपेंडिकुलर, तो वो कैसे भी हो सकता है, बात समझ गया ना। ठीक है, तो कहेंगे देख बच्चा ये तो नॉर्मल का था वर्टिकल कंपोनेंट, है ना बेटा, अब इसमें एक नॉर्मल का बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, है ना, जो इस एक्सेलरेशन का जिम्मेदार होगा। तो क्या कहोगे, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इक्वल टू एम ए टी बराबर एम एल अल्फा। बोलो बच्चा, बात समझ में आया, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेट करेगा। ठीक है बच्चा, अब क्या लिख दोगे, नहीं समझ आ रहा आयुष गुप्ता को, चलो बात करते हैं आयुष गुप्ता से। एक एक करके बात करेंगे ना बेटा, इतने इतना हैंड रेज्ड है कि सबसे बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो आयुष गुप्ता दिख ही नहीं रहा कहाँ है, आयुष गुप्ता है कहाँ, भाग गया, नहीं समझ आके बोल के भाग गया। हाँ सक्षम बोलो, सक्षम अंकेश, हेलो, हाँ बोलो बेटा, क्या दिक्कत सर, वो आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो नॉर्मल का कंपोनेंट लिया वो समझने आया सर। ठीक है, देखो बच्चा ठीक से, रुकना बेटा एक मिनट, कुछ उपाय करता हूँ समझाने का। ओके सर, डायग्राम दिखाऊंगा तभी समझ पाओगे। देखते बच्चा, ये रॉड है और ये स्लीव है, देखा, यस सर, ये रॉड है और ये स्लीव है, हालांकि इसलिए थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, छोटा होना चाहिए, इसको लगभग टच करता हुआ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इसको टच करता हुआ एकदम। ठीक है, तो देखते बेटा, अगर इस रॉड की बात, स्लीव की बात करूं, अगर मैं इस स्लीव की बात करूं बेटा, है ना, तो देखते बेटा ध्यान से गौर से देखना, तो बेटा अभी देखो इसका ये सरफेस टच कर रहा है ना बेटा, यहाँ टच कर रहा है ना, तो नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल ना, बोलो सर, अभी हमारा नॉर्मल इस पे ऊपर लग रहा होगा ना, बोल बेटा, यस सर, लेकिन मान लो अगर मैं इसको ऊपर खींच लूं तो अब बताओ कैसे लगेगा नॉर्मल, नीचे की तरफ, अब नीचे लगेगा ना बेटा, है ना, और अगर मैं इसको ऐसे खींच लूं पीछे तो आगे की तरफ, आगे की तरफ, है ना बेटा, तो अब सोचो मैं आगे की तरफ और ऊपर की तरफ के बीच में यहाँ कहीं टच कर रहा हूँ, देख रहे हो हल्का डायग्राम, हल्का सा तिरछा, ऐसे ऊपर भी नहीं और साइड में भी नहीं, तो अभी नॉर्मल कैसे लगेगा बेटा, अभी देखो नॉर्मल ऐसे लगेगा ना, यस सर, यस सर, बोलो, बस समझा, तो देख बेटा इस नॉर्मल का दो हो सकता है कंपोनेंट ना, एक वर्टिकल बोलो और एक हॉरिजॉन्टल, बोलो, दो हो सकते हैं कंपोनेंट। तो देख बेटा वर्टिकल वाला जो है वो एमजी को बैलेंस किया, हाँ सर, है ना बेटा, और हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा, हाँ सर, अब समझ आ गई बात। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट था कि फोर्स तीन लग रहा है ना, ये हो सकता नहीं, ये हो सकता नहीं, यही बचाना बेटा हमको, तो इसका मतलब इस गड़बड़ी का पूरी जिम्मेदारी
पूरा इल्जाम नॉर्मल पे ही ठोक देना है ना बच्चा। और अब हमको सोचना है कि नॉर्मल कैसे काम करेगा, ठीक है। तो देख बच्चा, नॉर्मल अगर हमारा ये होगा, फ्रिक्शन क्यों ही लगेगा बेटा, लगेगा फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन हमारा लगेगा, लेकिन सरफेस के पैरल ना बच्चा, फ्रिक्शन तो सरफेस के पैरल ही होगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा इसमें, फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे लगेगा, है ना बेटा, फ्रिक्शन लगेगा लेकिन सरफेस के पैरल, फ्रिक्शन हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता ना बेटा, इसका मतलब फ्रिक्शन हमारा जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो देख बेटा, ये आ गया नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट, है ना बेटा। तो रिजल्टेंट नॉर्मल क्या होगा बोलो, एन बराबर स्क्वायर रूट एन एच स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, इसका मतलब एम निकल गया बाहर, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बोल बच्चा होगा, ठीक है बच्चा। अब क्या लिखोगे, एफ एस, एफ एस बराबर, एफ एस बराबर कितना बेटा, एम इन टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना बच्चा। और ये क्या लिख देंगे हम लोग, एम इन टू ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा। और हम सब लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है ना बेटा। एफ एस हमारा कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल, और ये हो गया लेस देन म्यू ऑफ एम ऑफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चा। एम कट गया, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू म्यू बाई एल, फिर स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और एक बार फिर से आ गया बेटा रूट, ठीक है। विद्या, हमेशा नहीं ऐसा होगा बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे गाड़ी वाला केस पढ़े थे ना हम लोग, गाड़ी वाले में क्या था, फ्रिक्शन जिम्मेदार था। तो अलग अलग परिस्थितियों में परिणाम अलग अलग आएगा बच्चा, ठीक है। अच्छे बोलो, आसे आसे सर, ये हमें पता कैसे चले, हेलो सर, कि ऑब्जर्वर में कहां से कर, तुम्हारी तो आवाज ही बहुत गंदी आ रही है बेटा, क्या बात करूं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होगा, वो तो एक ही तरफ लगेगा ना। हाँ बेटा, तो एक ही तरफ जो होगा रॉड, तो बेटा सर्कुलर ना होगा रे, गोल ना होगा रे सर, वो रॉड तो आप... गोल होगा ना। हाँ। इसके तो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बोलो, है कि नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ना होना चाहिए, ताकि दोनों ऐसे भी कंपोनेंट आ जाए, ऐसे भी कंपोनेंट आ जाए सर। लेकिन वो तो ग्राउंड में रखा है ना, ग्राउंड कहाँ से आया रे, तुम कौन सा क्वेश्चन देख रहा भाई, स्लीव था ना रे इसमें, स्लीव ऐसे था, एक रॉड था और एक स्लीव था, समझा, रॉड कैसे घुमा रहा था, ग्राउंड कहाँ से आया बताओ इसमें। अच्छा अच्छा, कभी झूले में बैठे हो, झूले में कहीं महसूस किए हो बेटा, जब झूला ऊपर जाता है नीचे आता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा सीट से कांटेक्ट कम हो गया, ज्यादा हो गया, वेटलेसनेस लगता है। हाँ लगता है ना ऐसा बेटा। अब सोचो ऐसा दिखा होगा, एक ऐसे गोल वाला भी झूला होता है ना बेटा, क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड, नहीं इसको तो बोलते हैं मेरी गो राउंड, इसको कुछ और बोलते हैं, चलो जो भी होता हो, ऐसे वाला झूला सोचो, ऐसा वाला झूला सोचो, है ना, जब बैठे होते हो बेटा, है ना, तो क्या देखते हो, नॉर्मल जमीन से आता है, सीट से आता है नॉर्मल, है ना, और ऐसा उसे मान लो ऐसे बाउंड्री बना है, सीट पे ऐसे बैठे हो तुम, जब घूमता है ऐसे बेटा, ऐसे घूमेगा, जैसे भी घूमने लगेगा तो ऐसे हो जाते हो ना, ऐसे ऐसे हो जाते हो कि नहीं, तो क्या करते हो, यहाँ से भी नॉर्मल लाते हो ना। अच्छा हाँ, याद आया, तो नॉर्मल की होती है जरूरत ना बेटा हम लोग को, अब समझ में आया। थैंक यू सर। बच्चा पूछ रहा है फ्रिक्शन हमेशा सेंटर में ही लगेगा क्या, रॉड ना है बेटा इसलिए ऐसा होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना बेटा, रॉड हमारा है तो ऐसा होगा, क्योंकि रॉड के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा, मेरे हाथ पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बेटा, वो हमेशा सरफेस के पैरेलल ही होगा, है ना, और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है बच्चा। एम जी कहाँ रिएक्ट किया, एम जी काउंट किया ना बच्चा, एन बराबर एम जी, देखो लिया तो है, रिएक्ट नहीं किया बेटा एमजी को,
विवान बोलो। हाँ सर, इसी में डाउट था सर। हो गया क्लियर? यस सर। वरुण सर अभी हो गया सर। ओके बच्चा, अब चलो आगे बढ़े बेटा। अब देखा जाए एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है समझते हैं बेटा। जैसे इसका नाम है कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? कर्वनेस। कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? कर्वनेस मतलब मोड़, है ना, लाइन में कितनी मोड़ है बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, अगर मैं कहूं एक सर्किल, है ना बेटा, अगर मैं एक सर्किल कहूं तो तुम कहोगे बेटा चारों तरफ इसका रेडियस क्या है बेटा? बराबर है। चारों तरफ इसका रेडियस क्या है बेटा? बराबर है। इसका मतलब इसके लिए क्या कहेंगे? तो कहेंगे इसके लिए यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना बेटा। कहेंगे सर्किल में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हर जगह यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखना, अब मैं कहता हूं बेटा इसको देखो, अब इसको देखो। ठीक है बेटा, ये क्या बोलते हैं इसको बताओ? स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरल। ठीक है, इसमें क्या कहोगे? देखो तो कि जब स्टार्ट हुआ था ग्राफ बनाना तो रेडियस इतना बड़ा था बेटा, है ना, और अंत हुआ तो देखो इतना बड़ा हो गया रेडियस। इसमें क्या हुआ बोलो? इसमें क्या हुआ? इसमें हमारा क्या है बेटा? इसमें क्या है बेटा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझा बेटा? इसमें क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा है ना। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सब जगह बराबर है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार बढ़ता गया, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन सोचो ऐसा भी तो हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार घटता जाए, घटता जाए तो बोलोगे अंदर की तरफ आएंगे, है ना बेटा। ऐसा भी हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले घटे और फिर बढ़े, है ना बेटा। इन दोनों डायग्राम में क्या तुमको दिया मैंने कि सेंटर एक ही जगह पे है बेटा, सेंटर हमारा एक ही जगह पे है, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ही मूव करता रहे, सेंटर भी हमारा मूव करता रहे, है ना। जैसे कि सोचो एक व्हील, एक व्हील को जमीन पे रोल करा दो, एक स्फीयर को जमीन पे रोलिंग करवा दो, क्या देखते हो बेटा? उसका सेंटर भी मूव करते रहता है ना बेटा, बोलो है कि नहीं, है ना। और उसके पॉइंट घूमते भी रहते हैं, तो घूम भी रहा है और सेंटर ही मूव कर रहा है, बोलो बच्चा, बात समझा? इसका मतलब बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस नहीं होता है, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब बतलाता क्या है? कर्वनेस। ठीक है बेटा, कि कितना मोड़ हुआ, है ना बेटा। अगर ज्यादा मुड़ गया तो कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, कम मुड़ा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। ठीक है बच्चा, ठीक है, क्या कहोगे, क्या बोलेंगे इसके बारे में बेटा हम लोग? कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इट रिप्रेजेंट कर्वनेस, है ना बेटा। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट कर्वनेस, है ना। ठीक है, अच्छा, है ना बेटा, क्या बोलेंगे? मोर बेंडिंग, ज्यादा बेंड हुआ लाइन, ज्यादा बेंड हुई तो क्या कहेंगे? स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बेटा। अगर बेंडिंग ज्यादा है तो स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, समझे बेटा। ठीक है, अब तुम्हें मैं कहता हूं बेटा कि एक जनरल कर्व सोच लो, कोई भी एक जनरल कर्व सोच लो। चलो मान लो ऐसे मैंने बोल दिया, है ना, ठीक है, कोई भी एक जनरल कर्व सोच लो बेटा। ठीक है, और अब कहा इस जनरल कर्व पे एक छोटा सा लंबाई चुनो, इस जनरल कर्व पे एक छोटा सा लंबाई चुनो, है ना बेटा। और अब मैं बोलूं बेटा
कि इस लंबाई की मदद से, इस लंबाई की मदद से एक इमेजनरी सर्किल बनाओ, तो कैसा बनेगा देखो। ऐसे बनेगा ना बेटा, बोल, बनेगा ना। अब मैं कहूं बेटा कि आप एक छोटा सा लंबाई लो, ठीक है, और अब इसकी मदद से भी एक इमेजनरी सर्किल बनाओ। ऐसे बनेगा बेटा, बोलो, ठीक है। तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट का ये सेंटर है और इस वाले पॉइंट का ये सेंटर है ना बच्चा, तो इसे बोलेंगे हम लोग आर ए और इसको बोलेंगे बेटा आर बी। ए पॉइंट यहां पे था, है ना, तो क्या लिखेंगे, आर ए इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए, है ना बेटा। और आरबी क्या है, आरबी क्या है, आरबी है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी, समझे बेटा। आर ए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए, आरबी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी है। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बी, इस वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए, ठीक है बेटा। लिख ले इसको, डायग्राम बना। वरुण कुछ बोलना है बेटा? नहीं सर। बोलो क्या? नहीं सर। ओके, यंस यंस बोलो, शिवम राज सर हम ये पूछ रहे थे सर, पिछले वाले क्वेश्चन में जो नॉर्मल है वो सर ये एमजी और सर ये क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों के लिए जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल सर, जिसे पिछले सवाल किए थे हम लोग क्लास में, हम लोग एक फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन किए थे ना, गाड़ी वाला सवाल। हाँ सर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों का जिम्मेदार फ्रिक्शन था। हाँ हाँ, है ना, यस सर, उसी तरह से इस बार नॉर्मल जिम्मेदार हुआ। ओके सर, थैंक यू जी का भी और उसके भी। ओके बच्चा, ठीक। शिवम बोलो भाई, 11008 शिवम। सॉरी सर, गलती छूट गया है, सॉरी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, सॉरी की क्या बात है। आयुष मेश्राम, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। बोल बच्चा, पूछना है बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये तो जेई का एग्जाम रहता है, वो ब्लाइंड लोग दे सकते हैं? ब्लाइंड लोग दे सकते हैं, पता नहीं बेटा, शायद दे सकते होंगे, क्योंकि हर जगह तो है ही बेटा, है ना, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एग्जाम तो सारा होता ही है, ये भी होता होगा आई थिंक सो। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? सर क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मेरी आग 2 साल टिकेगी। क्यों सर? ऑनलाइन के कारण आँख में बहुत तकलीफ होती है बेटा। पहले बताओ, अभी अगर देख पाते हो कि देख पाते हो, लेकिन अभी बोर्ड जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, हम पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो? आयुष, हाँ सर पढ़ पाता हूँ, लेकिन सर पहले कैसे, हेलो सर आवाज आ रही है? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी कि आंखों को बहुत तकलीफ होती होगी, हेडेक होता होगा, आंखों से पानी गिरता होगा, है ना, लेकिन बेटा ये परमानेंट नहीं है, अभी कहो तो 2-4 महीने की बात है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कौन पढ़ेगा ऑनलाइन, फिर कोई नहीं पढ़ेगा ऑनलाइन, है ना बच्चा। इस बात डिप्रेस मत हो इन बातों को लेकर के, मुझे लग रहा है इस बातों को लेकर तुम बहुत टेंशन में है, इन बातों को लेकर के साथ तुम बहुत टेंशन में हो, तभी तुमने सवाल ऐसा किया। लेकिन बच्चा ये जिंदगी है ना, जिंदगी का सबसे अच्छी बात ये क्या है पता है ना, जिंदगी की सबसे अच्छी बात ये है बेटा, है ना, कि ये हमेशा बदलती रहती है, और जिंदगी की सबसे बुरी बात भी यही है कि हमेशा बदलती रहती है, समझा। जो सुख है वो सुख रहेगा नहीं, जो दुख है वो दुख रहेगा नहीं। जी सर, ज्यादा मत सोच बेटा, ज्यादा मत सोच किसी बात को लिए।
हमेशा खुश रहना है। देखो एक बात सबको बोलूंगा बेटा, देखो बेटा सब लोग लगातार स्क्रीन में मत देखो, सब लोग लगातार स्क्रीन पर मत देखो, क्योंकि बताओ जब हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो क्या लगातार लिख रहे होते हैं बेटा, उसे बोलते भी तो हैं। बोलो, ये सब लोग को बोलूंगा बेटा बाद में, ये सारे बच्चों को बोलूंगा कि लगातार क्लास में लगातार स्क्रीन पे देखते रहो, जरूरी नहीं है ऐसा बेटा, ठीक है। कुछ देख लिया आंखें बंद कर लिया करो, ईयरफोन लगा करके आवाज सुनते रहो, और उस आवाज के बेसिस पे, उस आवाज के बेसिस पे उस डायग्राम को दिमाग में बनाओ, समझा बच्चा। और नहीं बन रहा है दिमाग में डायग्राम अगर, तो आंख खोल कर डायग्राम को देखो, ठीक है। जब देख लिया फिर आंख बंद कर लो, बात समझा। तुम्हें प्रॉब्लम होती होगी बेटा, है ना, ठीक। और ये प्रॉब्लम कोई मैं ही फेस कर रहा हूँ आजकल, जैसे कि देखो तुम लोग तो बेटा तीन क्लास करते हो ना एक दिन में लगातार मैक्सिमम, है ना। मैं बेटा लगातार चार या पांच क्लास लेता हूँ, है ना, और मुझे लगातार बोर्ड पे मोबाइल पे अभी देखता रहता हूँ, अभी देखता रहता हूँ लगातार स्क्रीन पे, है ना। तो आज के मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है कि क्लास के बाद हेडेक होता है भयंकर मुझे आजकल, दो तीन चार घंटे लास्ट करता है। तुम लोग बात पे गौर कर रहा होगा कि आजकल मैं टेलीग्राम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तुम लोग को, आजकल मैं कुछ दिनों से टेलीग्राम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में कम यूज करना चाहता हूँ, स्क्रीन पे देखता हूँ हेडेक शुरू हो जाता है भयंकर मेरे को आजकल, इसलिए मैं नहीं आ रहा आजकल टेलीग्राम पे, बस क्लास लेता हूँ, है ना, वीडियो अपलोड कर दिया और उसके बाद में मोबाइल साइड कर देता हूँ ज्यादातर केस में। तो तुम लोग ही बोलूंगा बेटा मोबाइल को जितना अवॉइड कर सको और अवॉइड करो, है ना, मोबाइल स्क्रीन पे देखना अवॉइड जितना कर सकते हो उतना करो बच्चा। जो बात चीजें हमारे कंट्रोल में है उसको हम बेस्ट एफिशिएंसी से यूज करें बेटा, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बेटा उसका तो कुछ नहीं कर सकते हमें, जो हमारे नियति से बाहर है बेटा, जो हमारे संत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते इसको बेटा हम लोग, है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करें, है ना, इसी में खुश रहेंगे हम सब लोग बेटा, समझे, ठीक है। चीजों को बेटा अच्छे से मैनेज करो, आंखों को तकलीफ हो रही होगी लेकिन लगातार स्क्रीन मत देखो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, बोलते जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग दिमाग पे स्क्रीन पे इमेज बनेगा तुम्हारा। तो चल देख बच्चा, अब तुमने शायद बचपन में कोई खेल खेला होगा, मैंने तो खेला था, पता नहीं तुमने खेला होगा नहीं खोला होगा, है ना, वो गेम पूरी तरह से याद तो नहीं, भूल गया मैं, है ना, लेकिन एक गेम ऐसा खेलते थे बेटा हम लोग कि क्या करते थे कि चूड़ियां कांच की चूड़ियां लेकर के उसके बहुत सारे टुकड़े करते थे, टुकड़े समझे बेटा, और बहुत सारे टुकड़ों को तोड़ तोड़ करके हम लोग अलग अलग आकार बनाया करते थे, है ना। अब सोच के देखना, मैं कहूं कि एक चूड़ी का टुकड़ा, चूड़ी का तो ऐसा ना सेप होगा बेटा, बोल इसमें तो हर जगह रेडियस सेम होगा ना बच्चा, है कि नहीं। इसके अलग अलग पीसेस को तोड़ करके हम लोग अलग अलग आकार बनाते थे और कोई पॉइंट मिलता था उसका गेम खेलते थे हम लोग कुछ कुछ, है ना बच्चा। तो सोच के देख बेटा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक चूड़ी नहीं हो बेटा, बहुत सारी चूड़ियां हो, है ना, कुछ छोटे सर्किल की, कुछ बड़े सर्किल की, कुछ बहुत छोटे की, कुछ बहुत छोटे की, है ना बेटा, है ना। अगर इन सारे चूड़ियों के तुम्हारे पास बहुत सारे टुकड़े हो बेटा, बहुत सारे टुकड़े हो, सब टुकड़े कर दो, है ना। अब उन टुकड़ों को आपस में जोड़ करके तुम किसी भी शेप का निर्माण कर सकते हो कि नहीं, बोलो। आगे पीछे उल्टा सीधा जोड़ करके तुम किसी भी शेप का निर्माण कर सकते हो ना बेटा, बोलो कर सकते हो ना बच्चा, ठीक है। तो इमेजिन करो कि तुमने उन चूड़ियों को टुकड़ों को जोड़ करके एक ऐसी बनाई आकृति, ऐसा बनाया बेटा आकार, है ना। तो उससे क्या होगा, हर किसी खास जगह पे एक खास चूड़ी का टुकड़ा होगा बेटा, है ना, और उस चूड़ी के टुकड़े का एक खास रेडियस होगा, है ना बेटा। यहाँ पे एक अलग टुकड़ा होगा बेटा, उसका अलग रेडियस होगा, यहाँ पे कोई अलग टुकड़ा होगा बेटा, उसका कोई अलग रेडियस होगा, है ना। तो हर पॉइंट पे जो अलग अलग रेडियस आ रहा है बेटा, यही हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ गया बच्चा, है ना। अब बात यह है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है बच्चा। तो देखो, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, देखो बच्चा,
अच्छा क्या लिखा है आशुतोष, सो विद इम्पोर्टेंट, बोलो भाई आशुतोष। सर सर एक बोलो? सर एक सर रिक्वेस्ट है सर, सर प्लीज आप उस डायग्राम से बता दीजिएगा सर, जो इंस्ट्रूमेंट आप लिए थे ना सर, जो आप इंस्ट्रूमेंट लिए थे ना उससे दिखा दीजिए सर कि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं लग रहा था उस वाले क्वेश्चन में। डायग्राम का लिखा दिया था मैंने सर, जो आप इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे थे। मैं इंस्ट्रूमेंट क्या दिखाया था सर, उसके बेसिस पे बता दीजिए सर कि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं लग रहा था सर, सेकंड पार्ट के लिए समझ में नहीं आया सर। सेकंड पार्ट में फ्रिक्शन तो लग ही रहा था बच्चा। यस सर, तभी लिखा ना मैंने फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सर आप जो बोले कहा कि ये रॉड है बेटा, इमेजिन कर रॉड है, तो अगर ये स्लीव यहाँ लटकी, अगर स्लीव ऐसे लटकी हो तो इस स्लीव पे इस रॉड की वजह से फ्रिक्शन कैसे काम करेगा बोलो। फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है, सरफेस के पैरेलल ना बेटा। यस सर, तो हमेशा क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, रॉड के होगा पैरेलल होगा बेटा बोल। यस सर, रॉड के परपेंडिकुलर क्या फ्रिक्शन हो सकता है? नहीं सर। नहीं नहीं बेटा, इसका मतलब अगर कोई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो क्या उसका जिम्मेदार फ्रिक्शन हो सकता है? नहीं सर। अब समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा। अब देख, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले स्टेप वन, सबसे पहले क्या करो बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जो ऑब्जेक्ट इस कर्व पे जा रहा हो है ना बेटा, उसका एक्सेलरेशन कितना है वो निकाल लो। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा, स्टेप टू, स्टेप टू क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ना बेटा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के एंगल को देखो। ठीक है बच्चा, स्टेप थ्री, रुको एंड, और क्या करो, और रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब बेटा कंपोनेंट करो, रिजॉल्व एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करो किधर, तो अलोंग वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। समझा बेटा, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करो, जब दो कंपोनेंट करोगे बेटा तो एक कंपोनेंट क्या करना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करना है और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल करना है। ठीक है बच्चा, स्टेप थ्री। ठीक है बेटा, जो पैरेलल कंपोनेंट है बेटा, जो पैरेलल कंपोनेंट है ना, वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बेटा है ना, वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझे बेटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, सेंट्रीपिटल, और पैरेलल क्या है, टेंजेंशियल है ना बच्चा। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम कहोगे बेटा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये होना चाहिए बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए बी स्क्वायर बाई आर, इसका मतलब बेटा आर कितना होना चाहिए, तो वी स्क्वायर बाई ए सी। ठीक है बेटा, यही हमारा तरीका है ना, कि किसी भी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो और वी स्क्वायर से रिजॉल्व कर दो। समझ गया बच्चा? ठीक है, चलो तुमको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं करके। क्वेश्चन क्या है देख बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि ऐसे वेलोसिटी है बेटा, ऐसे हमारा वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है ना बेटा, और ऐसे हमारा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल है बेटा 53 डिग्री है ना। तो सवाल कहता है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना बेटा। तुम तो ट्राई करो, तो हम आते हैं एक मिनट में, ट्राई करो।
देख बेटा क्या करेंगे हम लोग, क्या कहा था इसमें कि एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को कंपोनेंट करो। किसका कंपोनेंट करना था, पढ़ो यहाँ पे, कहता है बेटा रिजॉल्व एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करो वेलोसिटी का नहीं, ठीक है बच्चा। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करोगे बेटा तो क्या लिखोगे, लिखोगे एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ए कॉस 53, है ना बच्चा। और एक्सेलरेशन का ऐसे और ऐसे कंपोनेंट करना है, ये क्या हो जाएगा बेटा ए साइन 53, बोल बच्चा, ठीक है कंपोनेंट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बेटा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ए साइन 53, है ना बेटा। तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल बेटा 5 × 4/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्पीड कितना है बेटा, तो स्पीड सवाल में दिया था बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया था, v² / ac कितना हो जाएगा बेटा, तो 25 मीटर हो जाएगा, बोलो बात समझ गए बेटा। तो अभी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 25 मीटर है ना। जिस रास्ते में ये जाने वाला है उस रास्ते के इस बिंदु पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने वैल्यू है बेटा, 25 मीटर है, ठीक है लिख ले इसको। पलाक्षी बोल। हेलो। हाँ बोल बच्चा। सर मुझे इसमें सर बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब सर्कुलर मोशन होता है सर उसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन सर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं सर, कभी परपेंडिकुलर हो जाता है कभी रिजल्टेंट हो जाता है। पहले बताओ बेटा फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक स्टैटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर होता है, किस डायरेक्शन में लगाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के, नहीं वो तो होता है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, जिधर हमारी जरूरत हो, समझे, जिस डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन होगा है ना उस डायरेक्शन में लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स, और वो संभव भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि गाड़ी वाले केस सोचो बेटा, गाड़ी वाले केस में गाड़ी घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल पे ना बच्चा, तो बताओ हॉरिजॉन्टल सर्किल पे घूम रहा है तो हॉरिजॉन्टल सर्किल वाले पॉइंट पे टेंजेंट है ना और रेडियस दोनों होगा बेटा हॉरिजॉन्टल, बोलो है ना। और फ्रिक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो सकता है ना, इसलिए फ्रिक्शन को दोनों काम करने पड़े, है ना, ठीक है बेटा। लेकिन रॉड वाले केस में देखो, रॉड वाले केस में सेंट्रीपिटल भी था टेंजेंशियल भी था, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रॉड के हो गया परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो काम नहीं कर सकता बेटा वैसा, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना बेटा परिस्थितियों के अनुसार ना फोर्स लगाओगे, है कि नहीं। थैंक यू सर। ओके बच्चा, तो चलो बच्चा इतना ही आज के लिए, अब लोग करेंगे डिस्कशन होमवर्क का। होमवर्क क्या दिया हुआ था, किसी को याद है, होमवर्क क्या दिया हुआ था, चलो चैट ओपन करता हूं। होमवर्क क्या करना है इससे बेटा बताओ, पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 फुल, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 पार्ट 3 करना है डिस्कस, ओके ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 पार्ट 3, चलो सीट निकाला जाए। वर्क एनर्जी पावर की सीट निकाली जाए। हाँ बेटा सही तनुषा, बिल्कुल सही समझी तनुषा, बिल्कुल सही समझी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंस्टेंटेनियस होता है ना। थ्योरी के लिए बुक रिकमेंड कर दें, एचसीवी पढ़ो, एचसीवी या एनसीईआरटी, और कोई बुक की जरूरत नहीं है,
और क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करो, है ना, और चीजों को बेटा अच्छे समझो, सोचो चीजों पे, है ना, सर्कुलर पाथ को सोचो। तुम्हारे आसपास बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो रहे हैं बेटा, है ना, उनके बारे में सोचोगे तो समझ जाओगे। चल देख बच्चा, एक्सरसाइज टू पार्ट टू में आया जाए, एक्सरसाइज टू पार्ट टू निकाला जाए। एक्सरसाइज टू पार्ट टू में शायद हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, नहीं लगता है कुछ नहीं किए हैं। चलो पांच नंबर तक बोलो बेटा, कोई पूछना है पांच नंबर तक है, पांच पूछना है, दो पूछना है। अब देखो ऐसे लिख दोगे तो बताऊंगा बेटा, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, चार लिख दिया, पांच लिख दिया, बट चलो दो नंबर देखो। दो नंबर का था यूनिफॉर्म चेन मास एम ओवर हैंग से रफ सरफेस 3/4, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टेबल में हमारा म्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकालना है बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड चेन स्लिप्स ऑफ। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्यों बताऊंगा तुमको, नहीं बताऊंगा। तीन नंबर, सिस्टम का तरह सो किया हुआ है, प्लीज फॉर्म रेस्ट, 5 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक लिव्स द कॉइन विद द ग्राउंड इज 2√x m/s, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देख बच्चा तीन नंबर में देखो, तीन नंबर कहता है ये ब्लॉक, ये हमारा स्ट्रिंग, यहां से हमारा एक एक स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक लगा है बेटा, स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है ना। इस सवाल में कहा गया है कि ये हमारा है बेटा 2 kg ब्लॉक और ये हमारा है 5 kg ब्लॉक, ठीक है। जब तक ये कॉन्टेक्ट छूटेगा उतने देर बाद, ठीक है बेटा, इसकी स्पीड क्या होगी, है ना बेटा। तो देख बच्चा ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा ना, तो देख बेटा जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो स्प्रिंग लंबा होगा, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा है ना, तो स्प्रिंग लंबा होगा बेटा, और स्प्रिंग लंबा होने से इसको ऊपर फोर्स मिलेगा kx और यहाँ हमारा 2g, है ना बेटा। तो क्या लिख देंगे, अगर इसको कॉन्टेक्ट छोड़ना है बेटा तो नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो तो kx बराबर 2g, इससे x निकाल लो, है ना बेटा। और अब इसके लिए लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होगा बोलो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 5g x, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स 1/2 k 0² - x² इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² - 0। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चार नंबर लिख रहा है ये, चार नंबर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द पॉइंट बी, बी वाले पॉइंट से पास करेगा तो कितनी हमारी स्पीड होगी। सिंपल लगाओ वर्क एनर्जी, नहीं बताऊंगा ये सवाल, खुद से करो। पांच नंबर देखो रे, पांच नंबर सवाल, पांच नंबर सवाल कराया था क्लास में क्या, मुझे लग रहा है पांच नंबर कराया सवाल क्लास में। सवाल देखो बहुत बच्चे लिख रहे हैं यस और लिख रहा है नो। चल देख तो, चल कराता हूं फिर, मुझे लगता है कराया था। देख तो बच्चा, एज शोन इन द फिगर पर्सन इज पुलिंग ए मास एम फ्रॉम द ग्राउंड ऑन ए फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल सरफेस अप टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर विद द हेल्प ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन मास m इफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू। ठीक है बच्चा, देखो तो धीरे धीरे खींच के ऊपर ले गए। देख बेटा ये हमारा हेमिस्फीयर, ये हमारा हेमिस्फीयर, यहां से एक बॉडी खींच के ऊपर ले गए। ठीक है बच्चा, तो इमेजिन कर कि कुछ देर बाद बॉडी यहां पहुंच गया, बॉडी यहां जो पहुंचा है बेटा उसका यहां से एंगल है थीटा। ठीक है, जब बॉडी यहां पहुंच गया तो इस पे देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा बेटा टेंशन फोर्स, है ना, यूं लग रहा होगा, एक मिनट, यूं हो गया बेटा टेंशन फोर्स, यूं ग्रेविटेशनल फोर्स, और यूं लग रहा है बेटा क्या, फ्रिक्शन, कैसा, काइनेटिक, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, और यहां से ऐसे लगेगा बेटा नॉर्मल। ठीक है, अब फोर्सेस को रिजोल्व करो। तो देखो बच्चा ये एंगल थीटा, ये 90 - थीटा,
तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा बेटा mg sin थीटा होगा बेटा, ठीक है। तो देख बच्चा, अभी के कंडीशन में नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, नॉर्मल हो गया mg sin थीटा, ठीक है। और टेंशन कितना हो गया, टेंशन इक्वल टू mg cos थीटा प्लस फ्रिक्शन काइनेटिक। बोल बच्चा, होगा रे, होगा, ठीक है। अब देख बच्चा, ये हो गया हमारा mg cos थीटा प्लस म्यू इंटू एन, एन कितना, तो mg sin थीटा। बोल बच्चा, होगा, ठीक है। तो देख बेटा, अगर मुझे इस बॉडी को यहां से यहां ले जाना है, दिख रहा तुमको ना कि ये फोर्स वेरिएबल है बेटा। अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो क्या होना चाहिए, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ TdS, है ना बेटा। ds क्या हो गया, तो कहेंगे देखो ds हो गया ये हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, है ना बेटा। तो ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा एंगल होगा ना बच्चा, बहुत छोटा होगा, तो इसको बोल दिया मैंने d थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस म्यू mg sin थीटा, ठीक है बेटा, इनटू, बोलो बेटा, आर्क की लंबाई रेडियस इनटू थीटा। तो आर्क की लंबाई रेडियस इनटू थीटा, इनटू कर लोगे आर डी थीटा, ठीक है बेटा। हमें निकालना है बेटा इसका वर्क डन, यहां से ले आना है बेटा और यहां तक पहुंचना है। तो बोलो यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल हो जाएगा, एंगल बोलो, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो लिमिट जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, ठीक है। अब चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, 7 कहता है बेटा, ऑल स्प्रिंग पुलिस शो इन द फिगर आर लाइट, स्प्रिंग हमारा नेचुरल स्टेट में है, द सिस्टम वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कितना होना चाहिए। देखो तो 7 नंबर में ऊपर लगा है बेटा स्प्रिंग से लगा है बेटा पुली, है ना, फिर लगा है बेटा एक स्प्रिंग, और फिर हमारा ये फिक्स कर दिया, और यहां से लटका दिया बेटा एक मास, है ना। सवाल कहता है बेटा कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, है ना। तो देख बच्चा, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, इसका भी के दिया है, तो इसका टी मान लिया, तो इसका टू टी हो गया बेटा, बोल, ठीक है। अब तुम डायग्राम को देखो और बॉडीज को देखो और ये महसूस करो बच्चा कि दोनों स्प्रिंग एक जगह है, एक जैसा है स्प्रिंग बेटा, एक जैसा है, लेकिन ये दोनों का फोर्स अलग अलग है बेटा। इसका मतलब अगर इसमें इलोंगेशन में ई मान लूं तो इसका इलोंगेशन टू ई होना चाहिए, बोल बेटा। अगर नीचे वाले में इलोंगेशन ई होगा बेटा तो ऊपर वाले में टू ई होगा, होगा ना, ठीक है। अब चलो बेटा एक एक करके सोचना, इसको छुपा दिया मैंने, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये ई लंबा हो गया तो ये कितना नीचे आएगा, जितना ये लंबा होगा बेटा उतना ही ये नीचे आएगा, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो, इसको छुपा दिया मैंने, तो अब देख बेटा, इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की याद है ना, इसकी वेलोसिटी भी, तो इसकी वेलोसिटी टू भी, दुगनी स्पीड, स्ट्रिंग कांस्टेंट, टी डॉट बी बराबर जीरो, टेंशन डबल, वेलोसिटी हाफ, है ना। तो टेंशन हाफ, वेलोसिटी डबल, मतलब अगर ये टू ही आएगा बेटा तो ये फोर ही जाएगा नीचे, बोल बेटा। अगर ये टू ही लंबा होगा ना तो दुगना जाएगा, फोर ही जाएगा, क्योंकि यहां टेंशन इसके मुकाबले में आधी है बेटा, आधा टेंशन तो दुगना वेलोसिटी, ठीक है बच्चा। तो अब मान लो कि जो बॉडी था बेटा हमारा, अगर ये नीचे x गया, है ना, इसका मतलब x शुड बी इक्वल टू 5e,
बोल बेटा, ठीक है। अब लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क mg इंटू 5e प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस हाफ k, इसके लिए जीरो स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, है ना बेटा? फिर प्लस इसके लिए हाफ के इंटू जीरो स्क्वायर माइनस टू ई का स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस टू ई का स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड जीरो, फाइनल स्पीड जीरो। अब ई निकालो और एक्स निकालो, वो टू ही कैसे हुआ? अरे बच्चा यहाँ टेंशन डबल ना रे, और यहाँ टेंशन टी ना, है ना, दुगना टेंशन तो डबल इलोंगेशन। आठ नंबर देखो, आठ नंबर सवाल देख बच्चा, हाँ बेटा आठ नंबर में फ्रिक्शन लगेगा। देखो देख बच्चा, आठ नंबर में, आठ नंबर कहता है इस एज शोन इन द फिगर ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइन 37 डिग्री, ए ब्लॉक ऑफ मास 4 केजी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम ए पॉइंट 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, द ब्लॉक कंप्रेसेस बाय 40 सेंटीमीटर, can stop momentarily and then rebounds through 3 meter up the incline. If the spring constant दिया हुआ है तो हमें spring constant का value निकालना है बच्चा। देखो तो यहां से बेटा एक spring, spring का बेटा ये free end, spring का ये free end, यहां से block को छोड़ा बेटा, यहां से block को छेड़ा, तो ये जो दूरी है ये थी 4.6 मीटर, समझे बेटा? और फिर देखो ये आगे कॉम्प्रेस किया 0.4 मीटर, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, है ना बेटा? फिर से रिबाउंड कर गया, फिर से रिबाउंड करके यहां पे आके रुका, फिर से भी जीरो, है ना बेटा? और कितना ऊपर गया? 3 मीटर, है ना बेटा? अब मन में आता है बात कि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं फ्रिक्शन, तो हम क्यों बात करें फ्रिक्शन की? तो खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन नहीं है बेटा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कौन कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग, ये दोनों तो कंजर्वेटिव है ना बच्चा। अगर ये दोनों कंजर्वेटिव है तो क्या होना चाहिए? एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से चला है तो वापस वहीं तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शन है, ठीक है बच्चा? तो अब देख, ये लिख दो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। अब कहो ए से लेके बी तक, है ना बेटा, ए से लेकर के बी तक कितना दूर हो गया? 4.6 प्लस 0.4, 5 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg sin थीटा, है ना बेटा, इनटू 5 मीटर, ठीक है बेटा। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा इनटू 5, ठीक है बच्चा। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस हाफ के जीरो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू भी जीरो, बी भी जीरो, ठीक है बच्चा। अब चलो बी से सी तक, बी से सी तक क्या होगा बच्चा? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी ऊपर गया ना रे, ऊपर गया तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव, फ्रिक्शन का वर्क डन फिर से नेगेटिव, म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू 3, ठीक है बच्चा, ठीक है। प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के, यहां दबा हुआ था, दबा हुआ था तो x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा वापस, है ना बेटा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, u0
बी जीरो। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इस दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है म्यू और के, सॉल्व करना इसको। ठीक है बच्चा, आगे चलो, आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर दस, नौ दस बारह, नौ नंबर देखो, देख बच्चा नौ नंबर सवाल। नौ नंबर कहता है रिलीज व्हेन द नेचुरल लेंथ फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन, क्या कहोगे? हिंट दे रहा हूं, हिंट कि जब वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम होगा तो एक्सिलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब केक्स प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है बच्चा, है ना, यहां से एक्स निकाल लो और उसके बाद फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। ठीक है बच्चा, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर दस, दस नंबर देख बच्चा, दस नंबर कहता है एज शो इन द फिगर नो फ्रिक्शन लोअर ब्लॉक है 3 किलोग्राम का। देख बच्चा सवाल में, ये ब्लॉक है बेटा 3 किलोग्राम का और ऊपर हमारा 1 किलोग्राम का, दोनों के बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ये है म्यू इक्वल टू 0.2। ठीक है, यहां पे स्मूथ सरफेस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड सो दैट ड्यूरिंग द मोशन देर इज नो स्लिपिंग। कहता है मोशन के दौरान भी स्लिपिंग नहीं होना चाहिए बच्चा, मोशन के दौरान भी स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो स्लिपिंग कब होगा? जब ज्यादा धक्का मिलेगा। धक्का कौन देगा? स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग जब सबसे ज्यादा धक्का दे रहा हो उस समय भी नहीं फिसलेगा तो कभी नहीं फिसलेगा, है ना बेटा। सबसे पहले तो ये चेक करो कि स्प्रिंग सबसे ज्यादा धक्का कब देगा। ठीक है बेटा, देखो तो यहां से चला है बेटा, तो मान लेते हैं वी इसकी स्पीड है बेटा, है ना। अब यहां से आया और यहां तक चला आया, है ना बेटा, मतलब मान लो कि इसमें एक्स कॉम्प्रेशन हो गया, है ना बेटा। जब इसमें एक्स कॉम्प्रेशन हो जाएगा बेटा, है ना, तो ये ब्लॉक को धक्का देगा बेटा आगे, है ना। तो क्या बोल, लेट मान लिया मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चा, तो स्प्रिंग जब धक्का देगा और कहता दोनों में फिसलाव नहीं होना चाहिए तो दोनों साथ जाएगा, दोनों साथ जाएगा तो फिर कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? तो कहेंगे कॉमन एक्सेलरेशन हमारा कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए a बराबर के एक्स बाई 3+1। बोल बेटा, इतना होना चाहिए एक्सेलरेशन, है ना बेटा। अब सोचो स्प्रिंग तो इस पे फोर्स लगाएगा, इसमें क्यों आएगा एक्सेलरेशन? तो फ्रिक्शन की वजह से। इसका मतलब बेटा 1 किलोग्राम वाले बॉडी के लिए क्या कहोगे? कहोगे एफ एस इक्वल टू 1a, तो 1 into, देख लो यहां से के एक्स बाई 4, है ना बेटा, और वो स्लिप नहीं किया। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम ही है बच्चा, है ना। और x चूंकि मैक्सिमम था तो इसको भी लिमिटिंग कर दो। बोल बच्चा, तो कितना हो जाएगा? 0.1g बराबर के एक्स बाई 4। तो x निकल गया बच्चा, बोलो निकल गया। अब सोचो x अगर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तो इतना दबाने के लिए ये स्पीड कितना होना चाहिए? फिर से लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के 0² - x² इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 0 फाइनल 0 और इनिशियल 3+1 into b² x पुट करो और b निकल जाएगा।
ठीक है बच्चा, आगे चलो। 11 नंबर देख बच्चा, 11 में, 11 बताने के लायक नहीं है बेटा, खुद से करना। चलो हिंट दे रहा हूं 11, देखो 11 में हिंट दे रहा हूं। 11 का हिंट क्या है देख, जब ऐसा हमारा बेटा स्प्रिंग है तो इसका नेचुरल लेंथ है, जब यहां हमारा होगा है ना, तो ये निकाल लो एल डैश, कॉस थीटा इक्वल टू एल बाई एल डैश, तो ये निकल गया, ये निकल गया, तो इसमें इलोंगेशन कितना है, एल डैश माइनस एल, है ना बेटा। अब यहां पे आएगा तो स्पीड वर्क एनर्जी थ्योरम सीधा लगा लो, इलोंगेशन निकल गया है ना, तो स्प्रिंग कितना वर्क डन करेगा, हाफ के एक्स पर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा। 12 चलो, 12 कहता है बेटा बारह में कि एक पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम मूव्स रेक्टिलिनियरली अंडर द कांस्टेंट पावर पी नॉट। अब कहता है आफ्टर सम टाइम इट्स स्पीड वी, और कुछ देर बाद हो गया 2v, नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट दिस स्पीड इंक्रीजेस v टू 2v इज 7x। तो कहता है x की वैल्यू निकालो, है ना बेटा। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूव्ड रेक्टिलिनियरली, मूव करता है सीधी रेखा में, कांस्टेंट पावर लगा p नॉट, है ना बच्चा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्पीड v से 2v हो गई, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल हमारा है v से 2v में 7x, तो कहता है फाइंड x। देख बच्चा, तो क्या कहोगे, पावर p नॉट बराबर f इंटू वी। बोलो बेटा, पावर बराबर कांस्टेंट और f बराबर लिख दिया मैंने ma, बोलो f बराबर ma, है ना बेटा। अब देखो a को लिख दिया मैंने बेटा वी डीवी बाई डी एस, है ना बेटा, डी एस ले लीजिए, तो क्या हो गया पी नॉट डी एस बराबर एम वी स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन 0 to s, और ये वी से 2v निकाल लो बेटा s, ठीक है। आगे चलो बच्चा, 14 नंबर सवाल देख बच्चा, 14 नंबर में देखो बेटा, कहता है पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम बेटा, उस पे लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या लग रहा है फोर्स, एफ वेक्टर इक्वल टू ये -2x + 2y आई कैप, फिर +2x - y² ये बेटा जे कैप, फोर्स है ना बेटा, वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स होगा बेटा। तो डी आर वेक्टर क्या लिखोगे, डी आर लिखोगे बेटा dxi + dyj, बोलो बेटा, है ना। तो बोल बेटा f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x + 2y इंटू dx प्लस 2x - y² dy, है ना बेटा। अब इसको एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, -2x dx + 2y dx + 2x dy और -y² dy, है ना बच्चा, ठीक है। तो देख बच्चा, ये जो हमारा एफ डॉट डी आर हो गया बेटा, वो क्या बन गया देखना ध्यान से, ये हो गया -2x dx - y² dy +2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया ydx + xdy, बोल बेटा ydx + xdy। अब देख बच्चा, इसको तुम मैंने पाया था कि ये तो वैसे ही छोड़ो, ये वैसे ही छोड़ो, है ना बेटा। अब इसको तुम कर दो क्या, d(xy), बोल बेटा d(xy), याद आया ydx + xdy d(xy), है ना बेटा। तो देखो, तो du इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, du लिखते हैं बेटा -f डॉट dr, तो u क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ du,
ये निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो कर तो बेटा आपका डी आर इतना हो जाएगा 2x dx प्लस y स्क्वायर डी वाई माइनस 2d एक्स वाई, है ना बेटा। अगर इन सब का इंटीग्रेशन हुआ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा y क्यूब बाई थ्री, ये हो जाएगा एक्स वाई, और प्लस आएगा बेटा कांस्टेंट, प्लस आ जाएगा बेटा कांस्टेंट, है ना। तो सवाल क्या पूछा गया था, देखो सवाल ये पूछा गया था कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 2.3 पे, 2.3 पे काइनेटिक एनर्जी इसकी है बेटा 8/3 जूल, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड द स्पीड, इसका स्पीड निकालो, जब यहां पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा, और ये क्या है बेटा 1.2, ठीक है बेटा। तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, एनर्जी कंजर्व होगा, तो क्या कर दोगे, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, कितना हो गया बेटा के आई, ये लिखा है 8/3 यू आई, ये वैल्यू यहां पुट करो, ये वाला चीज यहां पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 प्लस 27/3 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, ये हो जाएगा 6 प्लस सी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा 1/2 mv² प्लस यू फाइनल, इस वाले का पुट करो कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 1 प्लस 8/3 माइनस 2 × 2 प्लस सी। अब देखो दोनों सी कट जाएगा बेटा, दोनों सी कट जाएगा और वी तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़े, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। आज बस कर दें, चल बच्चा ठीक है, चल ओके बच्चा तुम्हारी इच्छा, ड्रॉप करते हैं अब। तो चल आगे के लिए होमवर्क, नेक्स्ट क्लास लिए होमवर्क, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 में कितना सवाल है देखते हैं, रुको एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 में तो बहुत कमी क्वेश्चन है, चलो पार्ट 1 कर लेना, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट, है ना। और बोलो डीपीपी क्या करने बोला था, नहीं किटेन 14 दिया था बेटा, चलो 15 दे देता हूं करने के लिए, है ना बच्चा। अब चलो बच्चों बाय, कुछ बच्चों से बात करनी है तो बात कर सकते हैं अभी, बाय बच्चा। नयन बोलो, हेलो हेलो, बोलो बेटा। सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो सर हम बस हमारी शीट और एचएलपीस तक ही रहना, सर ज्यादा किताबें नहीं करना,